संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद पर पाकिस्तान का दोहरा चेहरा सामने आया है। पाक पीएम नवाज शरीफ ने महासभा में संबोधन के दौरान आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार है, कई लोग मारे गए हैं। दुनिया के हर आतंकवाद विरोधी अभियान में पाकिस्तान शामिल है। यूएन में कश्मीर राग आलापते हुए नवाज ने कहा कि हम भारत के साथ शांति चाहते हैं, इसके लिए हमने पूरी कोशिश भी की, लेकिन जम्मू कश्मीर मामले में बातचीत के बगैर शांति संभव नहीं है। नवाज शरीफ ने बुरहान वानी के नाम का जिक्र करते हुए कहा कि वह एक युवा नेता था। नवाज शरीफ ने कहा कि हर तरह के मुद्दे को बातचीत के साथ सुलझाया जा सकता है। नवाज ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराने की मांग की है। यहाँ उन्होंने भारतीय सेना पर मानवाधिकार हनन का भी आरोप लगाया। कश्मीर पर घड़ियाली आंसू बहाते हुए नवाज ने कहा कि कश्मीर में आदमी, औरतें और बच्चे आज़ादी की मांग कर रहे हैं, पाकिस्तान उनकी इस मांग का समर्थन करता है। साथ ही नवाज ने कश्मीर में हो रही हत्याओं पर एक स्वतंत्र जांच की मांग भी की है। अपने 19 मिनट के भाषण में नवाज शरीफ ने करीब 8 मिनट तक कश्मीर और भारत पर बयान दिया। इतना ही नहीं, आतंक की फैक्ट्री लगाने वाला देश पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र को उरी में हुए हमले से भटकाता नजर आया। देखते रहिए टीवी लाइव।